नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी भक्तों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। चातुर्मास 4 महीने की अवधि का होता है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनाया जाता है। इस अवधि में ज्ञान योगी, कर्म योगी, प्रेमी भक्तजन सभी कुछ नियमों का पालन करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार उपवास भी रखते हैं। इस दौरान फर्श पर, जमीन पर सोना बहुत ही शुभ माना जाता है। मौन व्रत धारण करना और अपना अधिकतम समय श्री हरि भगवान विष्णु की सेवा में व्यतीत करना भी बहुत पुण्य फलदायी होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान चातुर्मास में योग निद्रा में विश्राम करते हैं, अतः इस अवधि में सभी शुभ कर्म जैसे विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि निषेध माने जाते हैं। चतुर्मास की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार असुर राज विरोचन के पुत्र बलि ने अश्वमेघ यज्ञ करके बहुत पुण्य अर्जित कर लिया और सभी दैत्य देवताओं से उच्च श्रेणी में पहुंच गए और इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया गया। इंद्र सभी देवताओं सहित भगवान नारायण की शरण में गए और भक्त वत्सल भगवान ने उन्हें वचन दिया कि वो उनकी सहायता करेगी। प्रभु ने एक छोटे से बालक का वामन अवतार धारण किया और साथ ही शिवजी ने भी बाल रूप धरा और बटुक भैरव के नाम से विख्यात हुए। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। यह कथा हम सुनते आ रहे हैं। तो भगवान ने अपना जब 3रा चरण राजा बलि के सिर पर रखा तो उसे नरक में प्रभु ने धकेल दिया और पाताल लोक का राज्य भी दे दिया। बलि की सच्चाई से प्रसन्न होकर वामन भगवान ने उसे एक वर मांगने को कहा तो राजा बलि ने ठाकुर जी से यह विनती की कि वो मां लक्ष्मी सहित उनके साथ साल के 3रे हिस्से के लिए रहे, अर्थात प्रभु को अपनी वामांगिनी सहित 1/3 साल के लिए, 4 महीने के लिए राजा बलि के साथ रहना था। प्रभु ने उसकी मनोकामना पूर्ण की और इसी चतुर्मास में प्रभु राजा बलि के साथ पाताल लोक में निवास करते हैं। इसीलिए चातुर्मास के प्रारंभ को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और अंत को देवोत्थान एकादशी। शास्त्रों में चातुर्मास व्रत के लिए कोई नियम आदि नहीं बताए गए हैं। यह तो श्रद्धालु की अपनी श्रद्धा है कि वो किस प्रकार अपने इष्ट को रिझाना चाहता है, परंतु कुछ भक्त बहुत कठिन नियमों के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। कुछ नियम हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला नियम है सूर्योदय से पहले उठना। दूसरा नियम है ब्रह्म बेला में स्नान करना, तत्पश्चात भगवान की पूजा करना और आगे हम और भी नियम आपको बताते हैं। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। कुछ भक्त अलग अलग महीनों में अलग अलग नियमों से व्रत रखते हैं। जो नियम अभी आपको हमने बताए उनका पालन करना एक गृहस्थ के लिए कठिन होता है, इसलिए हम अपनी सहूलियत के अनुसार कोई भी एक नियम मानकर व्रत रख सकते हैं। कुछ नियम और उनके फल हम आपको बताते हैं। नमक से परहेज हमारी आवाज को मधुरता प्रदान करता है। तेल से परहेज लंबी उम्र। कच्चे फल और सब्जियों से परहेज शुद्धता प्रदान करता है। सुपारी से परहेज
खुशहाली प्रदान करता है। दूध या दूध से निर्मित पदार्थों से परहेज शांति प्रदान करता है। शहद से परहेज जीवन में चमक प्रदान करता है। मदिरा से परहेज अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। गर्म भोजन से परहेज हमारी संतान को दीर्घायु बनाता है। फर्श पर विश्राम भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करता है। मांसाहार से परहेज योगियों और मुनियों की गति प्रदान करता है। दिन के केवल एक बार भोजन अग्निहोत्र के परिणाम प्रदान करता है। केवल दोपहर का भोजन देवलोक में प्रवेश प्रदान करता है। केवल रात्रि में भोजन तीर्थ यात्रा का आनंद प्रदान करता है। प्रभु के चरण कमल का स्पर्श उन्नति प्रदान करता है। प्रभु के मंदिर की सफाई अच्छा घर प्रदान करता है। मंदिर की परिक्रमा मोक्ष प्रदान करता है। मंदिर में गायन गंधर्व लोक में प्रवेश प्रदान करता है। शास्त्रों का अध्ययन विष्णु लोक में प्रवेश प्रदान करता है। मंदिर में जल का छिड़काव अप्सरा लोक में प्रवेश प्रदान करता है। विष्णु जी की पूजा वैकुंठ में निवास प्रदान करता है। फर्श पर बिना बर्तन के भोजन करना शक्ति प्रदान करता है। रोजाना स्नान स्वर्ग प्रदान करता है। कोई अपशब्द न कहना समाज में उच्च स्थान प्रदान करता है। हम आशा करते हैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कोई त्रुटि महसूस होती है तो आपके सुझाव आमंत्रित है। मुझे बेहद खुशी होगी यदि आप मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का मौका दें। अगले वीडियो में आपको हम और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।